तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर आया हूँ, ये वीडियो हमारे लैपटॉप के ऊपर है कि हम लैपटॉप के ऊपर बहुत सारी ऐसे वीडियो अभी बना करके डालने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको एक एक करके लैपटॉप की रिपेयरिंग के बारे में आइडिया होगा और आपको ये पता चलेगा कि लैपटॉप को भी रिपेयर करना कितना आसान है। जिस तरीके से हम लोग मोबाइल फोन को रिपेयर कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग लैपटॉप को भी रिपेयर कर सकते हैं। और लैपटॉप भी रिपेयरिंग में हमारी बहुत अच्छी डिवाइस है। अगर आजकल के प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो जिस तरीके से मोबाइल फोन के बहुत सारे यूजर हैं, उसी तरीके से लैपटॉप के भी यूजर हैं। जब लैपटॉप के यूजर होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर खराब होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो उसको हम लोग रिपेयर भी करेंगे। तो जब रिपेयर करेंगे तो रिपेयर करने का मतलब है कि हमको उसका प्रॉफिट एरिया भी मिलेगा, हमको मार्जिन भी मिलेगा। जैसे आज मेरे पास एक लैपटॉप आया है, एचपी का G4। ये लैपटॉप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे लैपटॉप को बांटे हैं और इस लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम यह है कि लैपटॉप हमारा ऑन नहीं हो रहा है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ये हमारा चार्जर है, पहले हम लोग क्या करेंगे, चार्जर पर लगा देंगे। चार्जर लगाने के बाद जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारे ऐसे लाइट ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक करने के बाद भी हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। जब हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, लैपटॉप को खोलेंगे। खोलने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पीछे जो बैटरी लगी होती है, बैटरी को ओपन करेंगे ऐसे। सर एक बार फिर से दिखाइए। बैटरी खोलने के बाद आपको देखेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा ना बैटरी खुल गई। तो बैटरी को हम खोल देंगे, ये बैटरी कनेक्टर है जहाँ से बैटरी कनेक्ट होती है, इस बैटरी के अंदर सेल पड़े होते हैं, ये बैटरी है। उसके बाद यहाँ पर इसके सारे पेंच लगे होते हैं, ये हम लोग स्क्रू को ओपन करेंगे। ऐसे जितने भी सारे पेंच है, सारे पेंच को हम लोग ओपन कर लेंगे। ये हमारा खुल गया। इसके अंदर ये हमारी जो लगी है हार्ड डिस्क का कनेक्टर लगा हुआ है, ये आपकी हार्ड डिस्क है जिसमें आपका पूरा डाटा स्टोरेज होता है। उसके बाद ये इसकी रैम लगी हुई है। अगर आप देखेंगे तो स्टिकर लगा होता है, इसमें पूरा डिटेल लिखा होता है कि ये 2 GB का रैम है, PC3 है, मतलब DDR3 का रैम लगा हुआ है, 2 GB का रैम है। और उसके बाद ये हमारा खुल गया, हम लोग इसका कीबोर्ड को बाहर निकालेंगे। ये इसका कीबोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड को हम लोग बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद ये हमारा ऑन ऑफ का पता लगा हुआ है। ये लैपटॉप को हम लोग चालू कर रहे थे, ऑन नहीं हो रहा है, तो हम लोग पूरा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका वाईफाई का कार्ड लगा हुआ है, इस वाईफाई के कार्ड को खोल के आप अलग कर देंगे। ये आपका DVD राइटर लगा हुआ है, ये DVD राइटर भी खोल करके आपका अलग हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जब इसको खोल लेंगे तो खोलने के बाद ये आपको खोल करके बाहर आ जाएगा। खुलने के बाद इस पैनल को यहाँ से आप ओपन करेंगे, ये आपका पूरा खुलता हुआ चला जाएगा। ऑन ऑफ का ये पत्ता है, ऑन ऑफ का बेल्ट को अलग कर देंगे। ये टच का है, माउस का है, ये नीचे का टच पैड का माउस क्लिक ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका पूरा पत्ता दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रिमूव करके बाहर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, ये देखिए मदरबोर्ड तो हमारा बिल्कुल साफ दिख रहा है, फ्रेश कंडीशन में है, फिर भी हमारा ऑन नहीं हो रहा है।
डिस्प्ले का जैक जो है इसको हम लोग ओपन करके देखेंगे। एलसीडी का जैक है ये भी साफ है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से चार्जिंग को लगाएंगे और लगाने के बाद पहले इसका रैम को लगा देंगे। ये देखिए रैम ये हमारा ऑन नहीं हो रहा था, रैम को हमने दोबारा से लगा दिया है। ये हमने लगा दिया, हमने लगाने के बाद फिर इसको चार्जिंग लगाएंगे। हमारे पास चिमटी होनी चाहिए, चिमटी के माध्यम से इसको टच करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ये देखिए हमारे पास चिमटी रखी हुई है, हम लोग क्या करेंगे इसको लगा दिया। लगा देने के बाद जैसे चार्जिंग कैसे इसमें अलर्ट आएगा, अलर्ट आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर ऑन ऑफ का जो बटन है इसको हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे। इसे जब ऑन ऑफ का बटन शॉर्ट करेंगे तो ये हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो ये हमारा ऑन नहीं हो रहा था। ऑन ना होने का मतलब ये है कि इसकी ऑन ऑफ की सप्लाई ब्रेक हो गया, लैपटॉप के सप्लाई आगे नहीं आ रही है। तो हम लोग इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमको इसको बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। मदरबोर्ड को बाहर निकालने के बाद ये मदरबोर्ड आपका बाहर निकल करके आ गया है। हम लोग क्या करेंगे इसको प्रॉपर चेक करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर कोई बर्न नहीं है, कोई चीज़ जला हुआ तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है, कोई सूखा हुआ तो नहीं है। आप इस चीज़ को इसको देख कर देख लेंगे। अब हम लोग मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर से देख दीजिए हमको। इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा यूएसबी का है, इसको हम ऐसे लगा देंगे। ऐसे लगाने के बाद एडाप्टर को हम लोग क्या करेंगे उसमें कनेक्ट करेंगे। देखिए हमारा इंडिकेटर बता रहा है, इंडिकेटर बताने का मतलब हमारे इसके अंदर सप्लाई जा चुकी है। हम लोग क्या करेंगे जैसे इसको चालू करेंगे तो हमारा फैन ऑन होगा। फैन कनेक्टर देख लेंगे कि फैन कनेक्टर हमारा प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। ये देखिए अलर्ट आ रहा मतलब इसके अंदर शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लाई आगे ना जा रही हो। अब आप क्या करेंगे इसको जैसे चेक करेंगे तो कुछ नहीं बता रहा है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, नो मूवमेंट। तो
हमारा देखा कि ये हमारा नहीं ऑन हो रहा है, तो हम इस आयो को रिफोल्ड करने वाले हैं, क्योंकि हमारा आयो जो आईसी लगी है ये इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, इस आईसी के पास में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारा फंगस लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे इसकी पिनों में बहुत सारा मॉइस्चर है, और इसके लिए हम आपको LCD स्क्रीन पर दिखाते हैं, देखेंगे कैमरे के माध्यम से देखेंगे जब कितना सारा फंगस है। यही जो फंगस होता है ये हमारा इसकी पिने साफ है, लेकिन इधर बहुत फंगस आएगा, तो हम लोग इसके जितने भी पिने हैं वो सारे पिनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, रिसोल्ड करने वाले हैं। इसको रिसोल्ड करने के लिए सबसे पहले हम लोग पेस्ट लेंगे, इसकी जितने भी सारी पिने हैं सारी पिनों पे हम लोग पेस्ट लगाएंगे ऐसे। जो भी सारी पीने हैं सारी पीने को हम वन पॉइंट वन करके स्टेप बाई स्टेप क्या करेंगे। तो